विगत माह हुई बेमौसम बारिश की मार प्याज की फसल पर पड़ी है। इस बारिश की वजह से नई प्याज को क्षति पहुंची है, जिसकी वजह से थोक में इसे खरीदने वाले ग्राहक नहीं मिल रहे। ग्राहकों के इस तरह से मुंह मोड़ने की वजह से थोक में नए प्याज को न्यूनतम 1 रुपए किलो तो अधिकतम 23 रुपए किलो का दाम मिल रहा है। वहीं पुराने प्याज की मांग अभी भी बरकरार है, जिसके चलते थोक में उसे न्यूनतम 4 रुपए तो मैक्सिमम 34 रुपए किलो का दाम मिल रहा है। गौरतलब है कि वाशी स्थित APMC की आलू प्याज की मंडी में महाराष्ट्र और गुजरात से प्याज की आवक हो रही है। वाशी की मंडी में इन दिनों जिले से लगभग 26,000 बोरी की आवक देखने को मिली है, जिसमें नए और पुराने प्याज का समावेश है। बताया जा रहा है कि जहां नए प्याज पर बेमौसम बारिश की मार पड़ने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, तो वहीं गोदाम और कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय से रखा पुराना प्याज भी अब खराब होने लगा है, जिसकी वजह से कम क्वालिटी वाले नए और पुराने प्याज को थोक में खरीदार नहीं मिल रहे। इस वजह से प्याज का दाम अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया है। वाशी स्थित आलू प्याज की मंडी में थोक में कारोबार कर रहे व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा समय में मंडी में निर्यात करने योग्य नए प्याज को थोक में 20 से 23 रुपए किलो का दाम मिल रहा है, जबकि इसी क्वालिटी वाले पुराने प्याज को 32 से 34 रुपए किलो बेचा जा रहा है। VIP दर्ज वाले नए प्याज को थोक में 14 से 19 रुपए किलो बेचा जा रहा है। वहीं इसी दर्जे के पुराने प्याज को थोक में 25 से 31 रुपए किलो का दाम मिल रहा है। इससे कम क्वालिटी वाले नए प्याज को थोक में 5 से 16 रुपए किलो बेचा जा रहा है, जबकि इसी श्रेणी का पुराना प्याज 5 से 24 रुपए किलो बिक रहा है। गौरतलब है कि सितंबर 2021 के दौरान प्याज का दाम बढ़ने लगा था, जिसे देखते हुए मुनाफा कमाने के इरादे से नवी मुंबई के कुछ व्यापारियों ने इजिप्ट, ईरान और तुर्की से प्याज का आयात किया था, जिसे शुरुआती दौर में देशी प्याज के बराबर दाम मिले थे। लेकिन इसके बाद ग्राहकों ने विदेशी प्याज से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके चलते विदेशी प्याज के दाम में भारी गिरावट आई है, जिसे आयात करने वाले व्यापारियों को इससे काफी नुकसान हुआ है। मौजूदा समय में इजिप्ट और ईरान के प्याज को थोक में 18 से 20 रुपए किलो का दाम मिल रहा है। वहीं नाफेड द्वारा बेचा जा रहा प्याज अब सस्ता हो गया है, थोक में इसे 5 से 10 रुपए किलो का दाम मिल रहा है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है आने वाले समय में प्याज की कीमतें और ज्यादा लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।